एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है जो मैं जहाँ मैं सिर्फ जीन्स पहन रहा हूँ, जहाँ मैं टी शर्ट्स पहन रहा हूँ, वहाँ मैं जाके केडी यानी जिसे खाकी कहते हो तुम, खाकी फॉर्मल्स में पहन रहा हूँ वहाँ पर, मुझे रिक्स की अहमियत पता चल गई वहाँ पे, वहाँ जाके। तो तेरे सर ने एक जो लेक्चर था उसमें मुझे इतना डांटा, मेरी इतनी निकाली, मैं मतलब मेरे लिए रोने पर उतावला हो गया था। लेकिन उसने एक जो कहते हैं फायर, उसने एक आग जनरेट की मेरे मन में कि नहीं यार सर कह रहे तो अच्छे, अपने अच्छे के लिए कह रहे हैं, बस अभी जरूरी है। हम आते थे तेज सर हमें ले जाते थे वाइट हिल्स, वहाँ पर हम खेल रहे क्रिकेट, एक दिन हम जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने, एक दिन अब एगोन भी है, सर सर ने कहा दिया तू ऑर्डर कर दे मैं पैसे पे कर दूँ। अभी वहाँ पर लाइन के अंदर खड़े रह गए। जैसे मेरा नंबर आता है मैं सर को गायब होते हुए देखता हूँ, सर है ही नहीं कैफे में, ओके ही नहीं कैफे। अब मैं कहूँ अब मैं कैसे लूँ। हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यशोदेज अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोमनिंग एंड होस्ट फॉर टुडेज इंटरेक्शन सेशन। वंस अगेन वी आर हियर विथ अनदर एपिसोड ऑफ आर ब्रेव हार्ट सीरीज एंड फॉर टुडेज एपिसोड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एंड ही इज नन अनदर देन कैडेट आर्यन सिंह ठाकुर। सो आर्यन बहुत बहुत स्वागत है भाई तेरा यशोदेज अकेडमी। फर्स्ट टर्म तो कम्प्लीट हो चुका है तेरा, yes. है ना। फर्स्ट टर्म के बाद काफ़ी शान दिख रहा है, काफ़ी डिसिप्लिन है, लंबे बालों वाला बंदा एकदम सोल्जर कट में आ चुका है। यस सर। तो तेरा फर्स्ट टर्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा फर्स्ट टर्म का एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है जो मैं उससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ। और जो मेरी सिविल लाइफ थी उससे एकदम ड्रास्टिक चेंज, मैं एकदम ऐसे फौजी लाइफ में चले गया, जहाँ मैं रिकमेंड होने के बाद जो मैं 3-5 महीने जो भी थे ज्वाइनिंग के पहले जो मैंने मज़े किए वो सब सजे में बदल के वहाँ जाके। तो वहाँ ऐसा था कि जहाँ मैं जीन्स पहन रहा हूँ, जहाँ मैं टी शर्ट्स पहन रहा हूँ, वहाँ मैं जाके केडी यानी जिसे खाकी कहते हो तुम, खाकी फॉर्मल्स में पहन रहा हूँ वहाँ पर, मुझे रिक्स की अहमियत पता चल गई वहाँ पर, वहाँ पर जाके जहाँ मैं यहाँ 5-6 घंटे जो मोबाइल चल रहा था वहाँ जाके मैं 5-6 घंटे में वहाँ पर पीटी कर रहा हूँ, खुद को स्ट्रॉन्गर बना रहा हूँ मैं मेंटली भी और फिजिकली भी। जहाँ पे मस्त 8-9 बजे उठ रहा था वहाँ जाके मैं 4:30 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे उठ रहा हूँ, 5 बजे उठा अपने अपने कामों पर जा रहा हूँ, ODTs कंप्लीट कर रहा हूँ, एंगेजमेंट जा रहा हूँ, एकेडमिक्स कर रहा हूँ। मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज था। फौजी लाइफ में चले गए जहाँ मैं हाथों से खाना खा रहा था, माँ का हाथ का खाना, वहाँ जाके मैं मेस का खा रहा हूँ और ऊपर से काटा छुरी चम्मच स्पून फोर्क नाइफ उससे खा रहा हूँ खाना। उसके अलावा ऐसे कई सारे किस्से हैं जहाँ मैं यहाँ गेयर की साइकिल यूज़ करते हो, वहाँ जो पोस्टमैन वाली साइकिल होती है एटलस yes. की जो पुराने हाँ ओल्ड टाइप के वो वाले आप साइकिल्स यूज़ कर रहे हो वहाँ जाके, आपको कोर्स में छुरी पता चलती है वहाँ पे। और ऐसे कई सारी चीज़ें, यहाँ लाइफ बहुत ईजी थी, वहाँ लाइफ जाके डिफिकल्ट हुई, लेकिन वाइट वॉज लाइक यहाँ से मेरे थोड़ा ट्रेलर मुझे थोड़ी तैयार करके गई थी कि ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से शूट हो पाऊँ। भले टाइम लगा लेकिन सूट हो पाया वहाँ पे और वहाँ पर अच्छे से मैंने फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर दिया। ओके जैसे कि तूने कहा कि यहाँ पे वाईटी में ट्रेलर मिल गया था। हाँ सर। मतलब ट्रेलर में क्या क्या मिला था तुझे? सर 4 भागों में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट था रगड़ा, यहाँ पर ट्रेलर था, वहाँ जाके तो पूरी पिक्चर बता दी मुझे। मतलब वहाँ पर पिक्चर बता, सिक्वल भी मिल गया अगले अगले जो अगले टर्म में क्या होगा क्या नहीं। उसके अलावा सेकेंड चीज़ थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वहाँ पर कैसे है वहाँ पर टीम स्पोर्ट्स बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ 4 मेन स्पोर्ट्स होते हैं, एक होता है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तीसरी चीज़ होती है फुटबॉल और चौथी चीज़ होती है हॉकी। तो इस चारों में से तो ऑफ कोर्स मैं 3 तो यहाँ पर YT के हेल्प से मुझे मिल गए थे, मुझे पता चल गया था, मैंने इनको डेवलप भी किया था मैंने स्पोर्ट्स को। मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था जब मैं YT के पहले था, मतलब जब मैं फर्स्ट टू 10th कंप्लीट किया 11th 12th में यहाँ पर था। 11th 12th में 3 स्पोर्ट्स जो कि थे बास्केटबॉल वॉलीबॉल फुटबॉल, ये मैंने एकदम अच्छे से गो थ्रू किया, इनसे टेक्निक्स वगैरह सीख गया अच्छे से वहाँ पर। इसलिए मैं इस वजह से वहाँ पर मैं सेकंड स्ट्रिंग भी खेला मैचेस। तो एक तो थी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ये 3 स्पोर्ट्स मैंने खेले, इसके अंदर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया वहाँ पर इसकी वजह से। और ठीक है ये तो स्पोर्ट्स की बात रही। तीसरी चीज़ थी तुम्हारे कोर्समेट स्पिरिट इन द सेंस, यहाँ पर पता चलता है 1 for all, all for 1, ये जो कॉन्सेप्ट है
ये वहाँ पर जाके तुम्हें इसकी अहमियत पता चलती है कि तुम्हारे कोर्स में है, तुम उनके साथ तुम बुरे दिन भी बिताओगे, तुम उनके साथ अच्छे दिन भी बिताओगे, और वही होंगे जो तुम्हारे साथ थ्रू आउट योर लाइफ रहेंगे, और उन्हीं से तुम्हें जो भी तुम प्रॉब्लम्स फेस करोगे, सपोर्ट सिस्टम, यस। तो ये कोर्समेट स्पिरिट वहाँ पर पता चली। और चौथी चीज़ थी कि तुम अकेले कैसे रहते हो, जैसे यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी, तो हॉस्टल में तुम अकेले तुम्हारे केबिन में होते हो, तुम तुम्हारे कोर्समेट्स के साथ होते हो, YTA में तुम्हें तुम्हारा केबिन तुम्हें अच्छा पोस्ट रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है जहाँ तुम पढ़ाई कर पाओ, अच्छा माहौल चाहिए, तुम्हारे दोस्तों के साथ होते हो, तुम अकेले सोते हो बेड पे, ना तुम्हारे मॉम डैड होते साथ में, कुछ नहीं, तो यही चीज़ वहाँ पर होती है। इनफैक्ट वहाँ पर जहाँ एक केबिन में एक एक दो दो लोग रहते हैं, यहाँ पे दो दो तीन तीन लोग रहते हैं, वहाँ पर पूरा एक केबिन तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होता है, तुम्हें खुद ही से मिरर साफ करने है, तुम्हारा स्टडी टेबल अच्छे से अरेंज करना है स्टडी पीरियड आवर्स में, तुम्हें सोना है तो तुम्हें बेड अच्छे से अरेंज करना है, ऐसे तरीके से फौजी तरीके से जहाँ पर तुम सो पाओ, जहाँ तुम्हें हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर जगह पर रखनी है, ताकि तुम जब भी जरूरत करे एक चीज़ की तुम उसे चीज़ लो, तुम उठाओ, तुम उसे यूज़ करो, फिर से वही चीज़ पर रख दो। तो ये चार चीज़ें थी जो मुझे YTA ने इंपॉर्टेंट की, मतलब कह सकते हो ये ट्रेलर था जिसकी वजह से मुझे हेल्प भी वहाँ पर सूट होने। राइट यस। तो तेरा YTA to ND का जो जर्नी है, हाँ तो सर, कैसे रहा? तो सर YTA की तो जर्नी मेरी बहुत पहले चालू हुई थी, जब मैं 10th में था तो SPI वर्कशॉप था, मैंने रिटन क्लियर कर दी थी, SPI इंटरव्यू वर्कशॉप के लिए मैं आया यहाँ था इंडिया में, YTA में, YTA में वर्कशॉप के लिए प्रैक्टिस के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा मैं इंटरव्यू तो क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरा तो मैंने SPI क्यों ज्वाइन करने वाला था NDA के लिए, तो NDA की प्रिपरेशन YTA में होती थी, तो मैंने सोचा कि YTA ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने जो चार दिन मैंने बिताए थे SPI इंटरव्यू वर्कशॉप में, तो मुझे पता चला था कि YTA का एनवायरनमेंट कैसा है, मैं इस एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर पाऊँगा क्या नहीं, मैं इसमें प्रॉस्पर हो पाऊँगा कि नहीं, तो ये चीज़ मुझे पता चली वो चार दिन में। मैंने उसके बाद भले मेरा इंटरव्यू में नहीं क्लियर पड़ा, लेकिन मुझे इतना श्योर था कि मैं YTA जाऊँगा, 11th 12th एकदम अच्छे से पढ़ाई करूँगा, एंड इफ़ नॉट पॉसिबल आई विल गेट रिकमेंडेड, आई विल गेट इन टू NDA। तो ऑफकोर्स मुझे होप आया, तो मैं 11th में आया। अब मैं रहता था पुणे में सर, तो पुणे में रहता था मैं यहाँ पर सन सिटी के पास, तो सन सिटी में रहता था, तो मैं एज ए नॉन ऑस्ट्रेलेट में आता था, एज ए डे स्कॉलर मैं अप डाउन करता था घर से आता था, यहाँ पर लेक्चर्स करता था और घर पर फिर से चले जाता था। तो एक्चुअली आई एम अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, तो अब मैं नेशनल भी आई थिंक, तो हाँ सर, तो हाँ यस सर, 10 नेशनल लेवल मेडल्स, 10 आउट ऑफ 10 6 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। तो राइफल शूटिंग में 2016 से फॉलो करता था, तो मुझे फिर भी फॉलो करनी थी, क्योंकि एज साइड ऑप्शन मैंने राइफल शूटिंग रखी थी मेरे, इनके साथ अगर NDA नहीं हो पाता है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी होता है किसी के भी लाइफ में, क्योंकि NDA एक ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और कंपटीशन के तौर पे आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो। तो मेरा ऐसा कंफर्म था कि मैं राइफल शूटिंग करूँगा साइड बाय साइड, तो राइफल शूटिंग में कर भी रहा था, डे स्कॉलर बना था मैं, मेरे घर से ये जो एकेडमी है वो थी 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आना जाना 14 किलोमीटर हो गए, और जो मेरी राइफल शूटिंग के लिए जहाँ मैं जाता था बालेवाड़ी स्टेडियम, तो वो थी उल्टे साइड, जहाँ मतलब ये मेरा घर है, यहाँ इस साइड होगा मेरे एकेडमी, इस साइड होगा मेरा बालेवाड़ी स्टेडियम, तो मैं इस साइड जाता था, और ये था 14 किलोमीटर। तो लिटरली मैं कह सकता हूँ कि मैं दिन को 50 किलोमीटर ट्रैवल करता था, हर दिन मैं 50 किलोमीटर ट्रैवल करता था, यहाँ पढ़ाई करने वहाँ शूटिंग करने, और दोनों को बुक करवाता था, अगर यहाँ पर अगर इनकेस अगर लेक्चर एक्सटेंड हो पाए तो वहाँ पर जाके जो मेरे सर थे वो मुझे चिल्ला देते क्यों लेट हुआ क्यों नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज है, मुझे इसे गो थ्रू करना पड़ेगा, और एट लास्ट NDA जाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, तो वही था मेरा दिमाग में कि NDA ना करूँ या फिर दोनों के ऊपर तो ये होना ज़रूरी है, शिद्दत जो कहते हैं हम, राइट, तो वही मेरी मेन प्रायोरिटी थी। तो ये थी कहानी डे स्कॉलर की, जब मैं डे स्कॉलर था तो हर दिन कैसे 50 किलोमीटर ट्रैवल करता था, और आप तो थे ही सर, आप जैसे आप तो डे स्कॉलर के आप पटेल कमांडर हो बैठे हो, तो मैं आपके पास आता था, आपको भी पता होगा कि मैं कैसे मेरे जो घर का एनवायरनमेंट है वो मैं हॉस्टल के जैसा सिमिलर बना पाऊँ, क्योंकि मैंने YTA तो YTA का एनवायरनमेंट देख के मैंने YTA ज्वाइन की थी, तो जो एनवायरनमेंट था वो ज़्यादा था हॉस्टल में, ना कि डे स्कॉलर, मतलब ना कि घर में होगा, क्योंकि घर में TV है, घर पे मोबाइल है, घर पे माँ बाप है, घर पे आपकी बहन है, घर पे बहुत सारे रिसेप्शन है, लेकिन हॉस्टल में तो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, YTA के हॉस्टल्स में ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो सर मैं आपके पास आता था, आपसे हेल्प लेता था कि मैं कैसे इक्वल पर पाऊँ कि इसका एनवायरनमेंट और घर का एनवायरनमेंट सेम हो। तो मैंने मोबाइल यूज़ किया घर पे, लेजिट सर, मैंने ना TV यूज़ किया घर पे, मैं पढ़ाई करता था, कभी आता था पढ़ाई करता था, मैं ऐसा
ये सोचता था कि मैं कैसे अपने घर का एनवायरनमेंट हॉस्टल से सेम सेम कर पाऊँ, और इसी वजह से मैं डे स्कॉलर होने के बावजूद भी मेरी रैंक यहाँ पर टॉप 20 टॉप 25 में आता था मैं कॉन्स्टेंटली. तो सर क्या हुआ, अब जर्नी तो है तो इसमें अप डाउंस भी आ रहे हैं सर. तो क्या हुआ, एक दिन की मतलब दिसंबर में मैं 11th में आया, तो दिसंबर और जनवरी के अंदर मेरे थोड़ी रैंक वगैरह घसरने लगी और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट वगैरह भी होने लगा. दोस्त वगैरह मिल रहे थे, मोबाइल आ गया था. हाँ सर, तो मोबाइल भी दे देता हूँ मॉम ने ताकि मैं आने जाने वक्त जो भी कम्युनिकेशन हो वो कर पाऊँ. लेकिन कम्युनिकेशन छोड़ मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस्ड हुआ था, डाइवर्ट हो गया था और मेरे पढ़ाई के अंदर उतना मन नहीं लग रहा था. तो अब तेज सर तो मुझे पहचानते थे पहले से, 10th से पहचानते थे, तो तेज सर का ध्यान है मुझ पर. तेज सर ने चेक किया मेरी रैंक्स और मेरे पिछले 4-5 टेस्ट से रैंक कम आ रहा. तो तेज सर ने एक जो लेक्चर था उसमें मुझे इतना डांटा, मेरी इतनी निकाली, मैं मतलब मेरे लिए रोने पर उतावला हो गया था. लेकिन उसने एक जो कहते हैं फायर, उसने एक आग जनरेट की मेरे मन में कि नहीं यार सर कह रहे तो अच्छे, अपने अच्छे के लिए कह रहे हैं, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों 50 किलोमीटर से हर दिन ट्रैवल कर रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए नहीं, ना कि एनडीए के लिए और रैफल शूटिंग के लिए. तो सर ठीक है, तेज सर ने गुस्सा किया तो मैं उसके अगले दिन, मैं लिटरली उसके अगले दिन मैंने मॉम को मैं आपके पास लेकर आया और मैंने आपको कह दिया कि सर आप मुझे हॉस्टल शिफ्ट कर दो. yes. क्यों मतलब पता है अगर घर पर रहूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा. और मैं अभी भी उस चीज़ को मानता हूँ, आपने मुझे अगले दिन आपने मुझे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया. यही H1 बिल्डिंग डेविल्स, वो तेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था सर, उसी की वजह से मैं आज फर्स्ट टाइम कंप्लीट पर आया. yes. नहीं तो सर कुछ नहीं हो पाता मेरा, तो मैं बहुत डाइवर्ट हो चुका था. कुछ ना कुछ तो कर ही ले. हाँ कुछ ना कुछ तो कर ले लेता. तो सर यही चीज़ थी कि मैं अगले दिन हॉस्टल में आया. मैं हॉस्टल में आया, मुझे देख के विवेक दलवी भी था जो कि क्यूबेक स्क्वाड्रन में मेरे साथ ही रिकमेंड हुआ है वो भी, और मेरी कोच का है. तो सर वो भी, हम दोनों का एक्चुअली प्लान नहीं था कि हम कभी ना कभी हम आए हॉस्टल में, लेकिन सर ने डांट दिया, उसके अगले दिन मैं आ गया, वो भी आ गया हम मेरे साथ. तो हम दोनों ने पढ़ाई चालू की, हम दोनों एक ही केबिन में थे, एक ही रूम में थे, हम एक साथ पढ़ाई करते थे. डेविल्स अब 11th तो कंप्लीट हो गई हमारी, 11th कंप्लीट हो गई, अब 12th में बारी आई. अब 12th में क्या होता है ना सर, हॉस्टल शिफ्ट हो जाते हैं ताकि तुम नए कोर्समेट से मिल पाओ और तुम्हारी बॉन्डिंग भी बढ़े अच्छे से और आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सेम ही ग्रुप रहना चाहिए पढ़ाई के तौर पर. अगर आप अलग अलग ग्रुप में जाते हो हाँ कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हो, और उसके अलावा आपको अलग अलग टेक्निक्स भी समझ में आते हैं. अगर आप चार ही ग्रुप, चार ही लोगों में रहोगे पढ़ाई करने, तो आप चार लोगों के आपको टेक्निक्स पता होगा कैसे पढ़ाई करें कैसे नहीं. लेकिन आप बाहर जा रहे हो, आपको चार लोग, आपको चार एक्स्ट्रा टेक्निक्स मिलेंगे, आपको चार एक्स्ट्रा अप्रोच मिलेंगे, जैसे आप मैथ्स के लिए पढ़ाई कर सकते हो गैट के लिए. तो वही था, 12th में हमारे हॉस्टल चेंज हो गए. विवेक दलवी जो था मेरे साथ रिकमेंड हुआ, वो चले गया अलग हॉस्टल और मैं चले गया मैवरिक्स. अब मैवरिक्स नई बिल्डिंग थी तब सर, तो मेरे साथ थे अलग मेरे बाकी के दोस्त, जिसमें सबसे दो नाम सबसे मेरे फेवरेट है, एक है सौरभ अवार्ड और एक है सुमित गोडके. हम तीनों लोग, और वो दोनों लोग भी रिकमेंडेड है सौरभ. अब सुमित गोडके जो है वो फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन में, वो भी मेरे कोर्स में. सौरभ अवार्ड अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो नहीं आ पाया मेरे कोर्स में, लेकिन वो आ रहा है फिर से इस बैच में आ रहा है 151 में. 150 नहीं तो नहीं, 151 कोर्स में आ रहा है. तो हम तीनों जो थे, हम तीनों ने, हमने मैवरिक, हम कह सकते कि हम फाउंडर्स थे, फाउंडर मेंबर्स ऑफ मैवरिक बटालियन. मैवरिक बटालियन, तो हम तीनों ने एक ही रूम ली, हम तीनों ने एक साथ पढ़ाई की, हम तीनों ने एक साथ, हम रिटर्न क्लियर हुए, हम तीनों एक साथ रिकमेंड भी हुए, और हम तीनों ने एक साथ मस्त मजे किए रिकमेंड होने के बाद. जो 3-5 महीने थे हमारे साथ, हमारे पास जॉइनिंग के पहले, हम YT में आते थे, हम मजे करते थे, हम लिटरली गॉड थे तब. हम मैवरिक्स के बाद और जॉइनिंग तक के बीच का जो तुम्हारी जिंदगी होती है ना, वो भगवान वाली होती है. भगवान वाली हो, भगवान वाली. और उसी फेज में फिर मैं एनडी में चले गया, तो फिर से वहाँ पर एनीवेज. तो फिर क्या हुआ, हम तीन लोग तो आ गए, हम तीन लोग आ गए, मेरे साथ बाकी दोस्त भी थे, ओम देशमुख था, अथर्व देशमुख था, प्रथमेश बोडके था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे मेरे रूम में रहते थे. तो हमने पढ़ाई चालू की. अब सर मेरी कहानी कैसी थी कि मैं थ्रू आउट माई फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं मैथ्स में बहुत वीक था, तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी मैथ्स में. तो अब मुझे पता है मैं मैथ्स में वीक हूँ, ये पता होना चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप डेवलप कर पाओ उस चीज़ में. आप कैसा होता है सर, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को लगता है कि ठीक है मैं क्लियर करवाऊंगा, लेकिन उनको पता नहीं होता उनके वीक सब्जेक्ट्स क्या है. अब मुझे पता थी मेरी मैथ्स वीक है, तो मैं सुमित सौरभ अवार्ड जो था वो टॉपर था मैथ्स में, सौरभ अवार्ड और प्रथमेश गाड़ के, सौरभ अवार्ड टॉपर था.
तो अब वो मेरे केबिन में रह रहा है, हम दोनों स्टार्ट करें पढ़ाई मैथ्स की, मुझे कहीं भी दिक्कत हो रही है मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो मुझे हेल्प कर रहा है, कोई भी मेरे कॉन्सेप्ट जो वीक है मैं उसके हेल्प से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। सुमित है, सुमित का भी सेम है, सुमित के साथ में जा रहा हूँ, सुमित के साथ में मैथ्स के टेक्निक्स वगैरह ले रहा हूँ, उससे हेल्प करूँ, फिर मैथ्स डेवलप होते गया और मैं गैट में पहले से टॉप पर था। मैं गैट के अंदर आई वॉज लाइक गैट और गैट में तो दलवी विवेक दलवी और मैं, हम दोनों तो सबसे टॉपर्स थे गैट के अंदर, तो हम उनको हेल्प करते थे, हमें अवार्ड को हेल्प करता था इंग्लिश के रिस्पेक्ट में, मैं सुमित गोड़के को हेल्प करता था गैट के रिस्पेक्ट में, हम दोनों एक दूसरे को, तो ऐसी जो म्यूचुअल जो कम्युनिकेशन था कि तू मुझे ये दे मैं तुझे ये दे रहा हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ ग्रो हों, यस दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था, हम दोनों डेवलप हो रहे। तो इसी के वजह से मैं कह सकता हूँ मेरा रिटर्न क्लियर हो पाया, मैंने अब रिटर्न क्लियर हो पाया। अब उसके अंदर भी बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं सर, क्या आप एग्जाम के अंदर जा रहे हो, अब एनडीए के एग्जाम ऐसे है ना सर कि इसके अंदर जो ये नहीं मैटर करता कि आपने क्या पढ़ा है, आप कैसे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब 120 क्वेश्चन है, आपको 2 hours 30 minutes में सॉल्व करना है, तो आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे वो स्पीड नहीं थी कि मैं 70-80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, 90-100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ जो मेरे दोस्त सौरभ अवार्ड सुमित गोड़ के कर रहे हैं। अब मेरी स्पीड कम है लेकिन मेरी एक्यूरेसी, मैंने ज़्यादा फोकस किया मेरी एक्यूरेसी पे, क्वांटिटी ना सही क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करो। तो मैं जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मैं उसके अंदर 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ऑलमोस्ट 55 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 55 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर मेरे मैक्सिमम एक्यूरेसी के कारण। मैं इतने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बावजूद भी मैं क्लियर करवाया मैथ्स का अटैम्प्ट, और गैट के अंदर तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग ही था, ये तो गैट तो मेरा ऑलमोस्ट पता ही था मैं कि मैं क्लियर कर लूँगा, और ना क्लियर ना ही सही मैं उसके अंदर अच्छा स्कोर भी कर पाऊंगा, इसके वजह से ताकि मुझे मेरिट जो मेरी ओवरऑल मेरिट आएगी इनकेस मैं रिकमेंड हो जाऊँ तब, तो मैं उसके अंदर अच्छी रैंक ला पाऊँ और मेरा और मैं एश्योर करूँ खुद के लिए कि मैं इंडिया जा रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि आप रिकमेंड हो पाओ, ये भी जरूरी होता है कि आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रैंक अच्छी आ पाए और आप स्मूथली आप सेल थ्रू कर पाओ एनडीए के लिए। तो सर ये अब क्या हुआ, रिटर्न तो क्लियर कर लिया, हम तीनों ने रिटर्न क्लियर कर लिया, अब हम आ गए एसएसबी के फेज में। अब एसएसबी के लिए तेज सर ने डिसाइड करा कि हम एक अलग हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए जो भी रिटर्न क्लियर लोग हैं, तो हम पता नहीं सर कितने हुए थे हमारे एग्जैक्टली पता नहीं कितने हुए थे, तो 24 लोग हम आ गए पूरे शिफ्ट हो गए एक नए हॉस्टल में H5, वो हॉस्टल का नाम H5। तो H5 में हमारे साथ थे धीरज सर की बॉन्डिंग और हमारी बॉन्डिंग मतलब ऐसी नहीं थी कि वो गुरु है और हम उनके स्टूडेंट हैं, वो ऐसी थी कि हम सब स्टूडेंट्स हैं एक साथ और हम सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को कैसे डेवलप कर पाए। सर ऐसे अप्रोच में आते थे सर, हमें फ्रेंडली वे में हमको सिखाते थे कि क्या क्या हम पर्सनल हम कैसे डेवलप कर पाए पर्सनलिटी, ऐसे ये नहीं कहते थे कि आप एसएसबी में कैसे परफॉर्म कर पाओ, ये धीरे सर जो थे वो इस चीज़ पर फोकस करते थे कि आप पर्सनलिटी को कैसे फोकस करवाओ ताकि आप वहाँ पर दिखा ना पाओ कि मैं एक ऑफिसर लाइक मेरे पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, आप वहाँ पर लिटरली वो आपके अंदर इम्बाइब्ड होनी चाहिए कि जो भी 15 लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है वो मेरे में है और मैं शोकेस कर पा रहा हूँ। एक होता है दिखाना, एक होता है जो अंदर से आती है चीज़, जो फीलिंग्स कहते हो तुम, जो पर्सनैलिटी है, जो आपका बिहेवियर है, वो आपके बिहेवियर से दिखना चाहिए वो 15 ऑफिसर क्वालिटीज़। तो धीरे सर ने वो इंश्योर की, हम हर दिन पढ़ाई करते थे, हम मतलब हम लिटरली सर नाइट मारते थे हम पढ़ाई करने के लिए, हम एक एक दो दो दिन नहीं सोते थे, मतलब हमने अंधी प्रैक्टिस की थी। अब सर क्या हुआ, मुझे पता चली कि मेरी साइकोलॉजी, अब देखो एसएसबी के अंदर 3 मेन चीज़ होती है, एक होता है इंटरव्यू, एक होता है GTO और तीसरा होता है साइकोलॉजी। अब मेरी जो साइकोलॉजी थी, साइकोलॉजी मेरी थोड़ी वीक थी, साइकोलॉजी के अंदर मेरे जो आंसर्स वगैरह बनते थे वो अच्छे नहीं बनते थे। तो सर अब धीरे सर ने मुझे उसके लिए बता दिया कि तो ये क्या करना है, तो धीरे सर ने से भी एक चीज़ का प्रैक्टिस करो, आपकी मेंटेलिटी को पॉजिटिव में रखो। तो सर मैं नॉवेल्स पढ़ता था, मैं अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ता था, निगेटिव ना ही सही, मतलब जो क्राइम हॉरर के रिलेटेड जो नॉवेल्स नहीं होंगे उससे परे मैं ऐसे बुक्स पढ़ता जो मोटिवेटिंग हो, अग्निपंख इनकी, ए पी जे अब्दुल कलाम उनकी, अशॉर्टेड हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा उनकी पढ़ता था मैं, ऐसे कई सारे बुक्स पढ़ी ताकि मेरी पॉजिटिव वे में मेरी मेंटेलिटी जा पाए। ऐसे मैंने साइकोलॉजी को डेवलप किया, इंटरव्यू मेरा अच्छा जाता ही था क्योंकि इंग्लिश पर थोड़ी अच्छी सी कमांड थी मेरी इंग्लिश, अब इंटरव्यू तो अच्छा गया मेरा, इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, GTO भी मेरा मैं अच्छे से कोप अप कर पाता था मेरे फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग स्पिरिट अच्छी थी, मैं उनसे बात कर पाता हूँ, मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाता था, वो भी मेरे से इन्फ्लुएंस हो पाते थे,
तो इसी वजह से मेरी जीटी और इंटरव्यू में ना कि सही, साइकोलॉजी में मैंने खुद को ऐसा डेवलप कर पाया। और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे एनडीए, अब एनडीए के स्ट्रगल के थ्रू आउट द प्रोसेस हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिस भी कर रहे हैं, इसके साथ मज़ा भी जरूरी है। हम आते थे तेसर, हमें ले जाते थे वाइटी हिल्स, वहाँ पर हम खेल रहे क्रिकेट, एक दिन हम जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने, एक दिन अब एगॉन भी है, एगॉन तो एकदम मेजर इवेंट है। एगॉन के अंदर में मेरे जो मेरी टीम थी, टीम प्रताप जो सोनी सर की थी, उसके अंदर मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, टेबल टेनिस मैंने खेला, मैं बॉक्स क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, उसके अंदर भी हमारी रैंक ऑफ कोर्स अच्छी थी। तो इसी वजह से जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है वो भी बिल्डअप होता है, इसके अंदर तुम जो कहते हो कि एक कमांड होनी चाहिए लोगों के ऊपर। अब मैं तो सीनियर हूँ, मेरे जूनियर्स है, मैं जूनियर्स के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ, जूनियर को बोल रहा हूँ आप ये ना करो, आप ये करो। तो इसी वजह से मेरी एसएसबी की क्वालिटीज़ भी डेवलप हो रही है साइड बाई साइड, मैं डेवलप हुआ रहा हूँ एज अ पर्सन, मेरी पर्सनलिटी भी डेवलप हो रही है, बिहेवियर भी डेवलप हो रहा है, उसके साथ हम मज़े भी कर रहे हैं, एगॉन में मज़े आते हैं ऑफकोर्स। उसके अलावा जो सौरव अवार्ड है, सुमित है, हम तीनों साइड बाय साइड, हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एसएसबी का प्रिपरेशन नाइस से हम ट्वेल्थ की भी पढ़ाई करें, क्योंकि अब हमने जो क्लियर कर ली हमारी सितंबर वाली एग्ज़ाम, दिसंबर को ऑलमोस्ट आपके एसएसबी के डेट्स आते हैं, अब डेट्स आ गए जनवरी फरवरी मार्च में हमारी एग्जाम है ट्वेल्थ की। तो हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि हम सिर्फ एसएसबी पर ना फोकस करें और उसके साइड बाय साइड हम पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करवाएं ट्वेल्थ के, ताकि एटलीस्ट ट्वेल्थ में भी तो अच्छे मार्क्स आए ना सर। तो ट्वेल्थ के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, हम ट्वेल्थ की साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक दो चैप्टर्स 5-6 दिन में कवर कर रहे हैं, ताकि हम मतलब एट दैट एग्जाम का जो फेज होता है हम तब बर्डन ना ले पाए और हमारे थोड़ा कवर अप हो जाए, हमारे जो बैकलॉग वगैरह हम कवर कर पाए, तो ऐसी चीज़ें थी। और एनडी के बारे में कुछ बता, मतलब एनडी के पीटी के बारे में काफ़ी सुना है, yes, काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं कि एनडी के अंदर क्या होता है, पीटी कैसे होती है, बाकी फिजिकल कैसा होता है, तो उसके बारे में कुछ बता सर। एक्चुअली पीटी जो है, पीटी वहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि एटलीस्ट आप फौज में जा रहे हो, फौज में तो फिजिकल स्ट्रांग होना जरूरी है, और सर फिजिकल स्ट्रांग नहीं तो नहीं, वहाँ पर मेंटल स्ट्रांग भी होते हैं। जैसे आपको पता है क्रॉस कंट्री एक वन ऑफ द मेजर इवेंट है एनडीए का, सर एनडीए के अंदर क्रॉस कंट्री क्या होता है, क्रॉस कंट्री के अंदर 14 किलोमीटर भागते हो आप, और आप लिटरली भागोगे 50 मिनट में। हमारे जो टॉप रनर्स हैं एनडीए के वो भागते 45 मिनट्स, 46, 47, 48 मिनट्स में भागते। सर इसके अंदर क्या होता है, आप क्रॉस कंट्री आप लोगों की क्या ही है, दौड़ना ही तो है 45 मिनट्स, लेकिन सर वो टाइम लाना, वो टाइम को इम्प्रूव करना, कैसा होता है आप जब भागते हो ना, आप लिटरली भागने होते हो, एक होता है दौड़, एक होता है आप लेजिट आप एकदम दौड़ जोर से भाग रहे हो, स्प्रिंट मार रहे हो, आपको 45 मिनट्स आप कंटिन्यूस आपको स्प्रिंट मारने, तो थोड़ी दिक्कत आती है आपको मेंटली, आपको लगता होगा कि यार इस पॉइंट में छोड़ देता हूँ क्या ही होगा, लेकिन आप अपनी स्क्वाड्रन के लिए आप स्क्वाड्रन को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप क्रॉस कंट्री में, आपको स्क्वाड्रन के लिए भागना पड़ता है वहाँ पर। तो भले ही वो एक थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाए कि यार छोड़ देता हूँ क्या ही हो रहा है, पैर वगैरह दर्द कर रहे हैं, हाथ वगैरह दर्द कर, आपका मेंटली आप फिजिकली आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपके पैर आपको सपोर्ट करेंगे, आप 45 मिनट्स क्यों ना आप 40 मिनट्स में भाग सकते हो, वही चीज़ टॉप रनर्स भागते हैं सर, लेकिन कैसा होता है आपकी मेंटल आप मेंटली उतने स्टेबल नहीं होते, आप मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो, आप मेंटली आप कह देते हो कि यार मेरी ब्रीदिंग थोड़ी आप थोड़ी जल्दी जल्दी मैं ब्रीथ कर रहा हूँ तो इसीलिए छोड़ दूँ। तो यही सर मेंटल स्ट्रेंथ जो है ये डेवलप करने के लिए, और फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ये डेवलप करने के लिए पीटी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है सर। वहाँ पर टेस्ट वगैरह होते हैं हर टर्म के अंदर, आपको टेस्ट पार करने होते हैं, आपको टेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, अगर आप वो टेस्ट कंप्लीट करोगे तभी आप अगले टर्म में जा सकते हो। जैसे कि मैंने I was M1H1, मैंने सर हर एक टेस्ट जो है वहाँ पर उसके मैंडेटरी टेस्ट भी नहीं बल्कि हायर टेस्ट भी पास किए मैंने मेरे एनडीए के अंदर। ये क्यों कर पाया, मेरा जो मैं पहले से ही थोड़ा फिजिक में अच्छा था, मैं थोड़ा रनिंग वगैरह करता था मैं, तो इसीलिए पीटी जो है वहाँ पर बहुत मैटर करती है। वहाँ पर पीटी सेशंस भी होते हैं, आपके स्क्वाड्रन आपकी लेती भी है, आप मैंने जैसे कहा 5-6 घंटे तो आप पीटी करते हैं वहाँ पे, और ये इंश्योर करती है कि आप भले ही आप फिजिकली ये नहीं इंश्योर करती कि आप वहाँ पर अच्छे परफॉर्म कर पाओ पीटी में, ये इसलिए परफॉर्म वहाँ पर इंश्योर किया जाता है ताकि आपको वहाँ पर कोई इंजरी ना हो, क्योंकि आपका टर्म काटना आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। अगर आप ऑफिसर ही नहीं बन पा रहे, अगर आप आपकी बॉडी की ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप कैसे ऑफिसर बनोगे, तो आपकी बॉडी आपकी इंजरी ना हो आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, इसीलिए आपको पीटी वहाँ पर की जाती है। दूसरा क्वेश्चन एकदम अलग सा पूछ लिया कि मैंने बोला सर व्हाट वर योर रीजंस टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, अब वो भी ब्लास्ट कि भाई ये क्यों क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब मुझे लग रहा है कि भाई मैंने जाना चाहिए, उसने ऐसा कर दिया,
मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा जा रहा हूँ, लेकिन फिर से बैठ गया। और मैं बोलो ये जाने कह रहा है या वेट नहीं कह रहा है। मेरे डेट ऑफ बर्थ मुझे याद ही नहीं, मैं कह रहा हूँ 16 December 2005। मैं मतलब याद याद करके कह रहा हूँ वहाँ पर, वो भी हैंग कि भाई ऐसे बच्चा रिकमेंड हो गया। मैं खेल रहा हूँ, अचानक से एक बंदा आता है, उसके ऊपर ऐसा प्लस लिखा होता है सही, और वो आता है।